साथियों प्रणाम, मेरा नाम है मुकेश सिंह पाटिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारत में। दोस्तों, आज हम किसी एक खास टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। दोस्तों, पिछले लॉकडाउन और कोविड पेंडेमिक के चलते हुए हमें इस ड्रग एब्यूज के मामले में कुछ ज़्यादा हद तक इजाफा देखने को मिला है। और आज चूँकि 26 जून के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइज, तो हम आज इस खास टॉपिक पर लेके आए, बात करने के लिए आए हैं, जिसका कि टॉप थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। दोस्तों, पहले तो हम ये जान लें कि ये ड्रग एब्यूज होता क्या है। एक्चुअली ड्रग एब्यूज जब हम किसी प्लेजरेबल इवेंट्स के लिए या प्लेजरेबल फीलिंग्स के लिए हम किसी सब्सटेंस का अननेसेसरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज़ करते हैं, तो जिसके चलते हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे हमें पर्सनल, ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ हमारा जिससे डिस्टर्ब होता है, इसी को हम ड्रग एब्यूज़ के तौर पे देखते हैं। वैसे ड्रग एब्यूज़ के तो बहुत कारण है, पर मेनली इस ड्रग एब्यूज़ को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है डिप्रेजेंट्स, जो हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो विचारों को है उसको डिप्रेस करने का काम करता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा स्लीपिंग पिल्स, जो खास तौर पे आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। जो ज़्यादा वर्किंग टाइम, एक्स्ट्रा वर्क का लोड के कारण या फिर जो पीयर प्रेशर के चलते बहुत से लोग ड्रग एब्यूज को भी इस्तेमाल करने लगे, तो ये हमें आजकल कॉमन देखने को मिलता है। दूसरा होता है स्टिमुलेट्स, जो हमें एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो कोकेन और एम्फेटामिन्स की ज़्यादा तादाद को इस्तेमाल करना भी इसकी कैटेगरी में आता है। और तीसरा हम बात करेंगे हेलुसिनोजेन्स, जो होता है जिसके कारण हमारे जो हेलुसिनेशंस है वो क्रिएट होती है, चाहे ऑडिटरी हो या विजुअल हो, जिससे हमें जो अपने आप को डिसोसिएशन करने में हेल्प होता है, जिसका कॉमन एग्जांपल है एलएसडी। तो वो दोस्तों, हम इस एडिक्शन को पहचानेंगे कैसे। बेसिकली हमें 4 C's का इस्तेमाल करना होता है इस किसी भी ड्रग एब्यूज में पहचानने के लिए। फर्स्ट होता है सी यानी क्रेविंग, जिसमें हमें किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए जिस पर हम डिपेंड हो गए तो उसकी क्रेविंग आती है, ठीक है। तो ये तलब होती है, इसको फर्स्ट हम सी में क्रेविंग कहते हैं। सेकंड होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी किसी भी चीज़ पे हमारा कंट्रोल खोना, ये एक सेकंड उसका लक्षण हो सकता है, ये आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। थर्ड होता है यूज डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हमें उसके नुकसान के बारे में, परिणामों के बारे में पता होते भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये होता है हमारा थर्ड सी। और फोर्थ होता है कंपल्सिव यूज, मतलब हमें बाध्यकारी चीज़ों का बार बार उपयोग उस हमारे ऑब्सेशन को कंपल्सन में क्रिएट करना, हम उसको यूज़ करते, तो ये हमारा कंपल्सरी यूज़ होता है। दोस्तों, पिछले साल अभी जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है और लोगों में की जॉब गई है, जिसके चलते में उनमें जो ऑटिस्टिक बिहेवियर का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें हम देखा जाए तो ड्रग एब्यूज़ का इजाफा कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो जैसे एक ऑफिस है, यूनियन नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, उनकी हम ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है वो कैनाबिस के इस्तेमाल में हुआ है, जिसमें से वो अराउंड 275 मिलियंस जो लोग हैं, पीपल्स है, उनका ड्रग इस्तेमाल ज़्यादा, उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसमें से 36 मिलियंस जो पॉपुलेशन है वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें से भी 50% लोग जो है जो हेपेटाइटिस सी जिनको हो चुका उसके वो से सफ़र कर रहे हैं। और हम पिछले 24 सालों की बात करें तो कैनाबिस के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी कहीं इसके चंगुल में फंस रहे हैं, अपने आप को यही दायरे में पाते हैं, तो कृपया कर अपने लक्षणों को पहचाने और अपने नियरेस्ट जो भी आपके साइकोथेरेपिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है, उनसे जाके एक बार विजिट जरूर करें। इसी के साथ मेरा आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।